ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, तीनों केसेस देखे थे, उसमें किस तरीके से डील करेंगे वैसा देखा था। ठीक है, मॉर्निंग में गैप अप, अच्छा जो मैंने वीडियो जो बनाता हूँ मैं फ्राइडे को ना जस्ट आफ्टर द मार्केट ही बनाता हूँ, तो डाउ वगैरह मैंने उतना नहीं देखा था, बट हमारी एनालिसिस उस हिसाब से थी जैसे गैप खुलेगा तो क्या होगा, साइडवेज टू बेरिश जाएगा, नेक्स्ट हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा किधर की तरफ है नहीं है। एनीवेज हम लोगों ने क्या देखा, मॉर्निंग के अंदर या तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे या सेकंड हाफ में रिवर्सल का वेट करेंगे। क्या होता है मार्केट जब गैप अप खुलती है, नीचे आपके बायर्स होते हैं, ऊपर खुला गैप अप, तो क्या होता है साइडवेज टू बेरिश की तरफ ट्रेंड हो जाता है, बिकॉज ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही होती है या नीचे पे कोई डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना होता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग बाइंग की साइड आते हैं। आज शेड मिला भी था अपने को, ठीक है, यहाँ पे समवेयर अराउंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था आपका 12 बजे के आसपास। अभी हम लोग चार्ट चल के देख, ये एक्जैक्टली हम लोग वही चीज़ जो हम लोग ने डिसाइड किया था वही था कि मार्केट गैप अप खुलेगी और गैप खुलने के साइडवेज टू बेरिश हो जाएगी। बेरिश में आपका प्राइस एक्शन नेगेटिव था, यहाँ पे एक दो बार लगा था। अच्छा मैंने आपको टेलीग्राम पे आप देख रहे होगे, पहला ट्रेड था उसमें कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी पूरी, यहाँ पे हम लोगों को पहला ट्रेड मिला था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, लेकिन कैंडल हमने कहा था वेट करना कैंडल क्लोज होने का, नहीं हुई। यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हो गई, बाइंग की साइड लास्ट में आके फिर नीचे ही हो गई। अगर अभी देखोगे तो प्राइस एक्शन आपका इंटरडे में नेगेटिव बना, कैसे बना, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक, अब क्या सिनेरियो होगा देखो, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनने को हो सकता है। ये है डबल बॉटम, ठीक, ये आपका डबल बॉटम आ गया, करेक्ट। हम लोगों ने लास्ट में जो लेवल्स वाली वीडियो देख रहे ना, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बाइंग जोन वगैरह बनता है। अब अगर लेट्स से मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, ये थोड़ा सा आगे टर्म्स के लिए हम लोग देख लेंगे, जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा यानी कि 15,920, ठीक है, आज हमने शीट पे आपने देखा भी होगा, शीट पे लिखा था कि अगर ये क्रॉस मतलब सस्टेन करता है तो आपका 16,200 तक की एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है, कि 16,200 तक का गैप एक पेंडिंग पड़ा है, कहाँ पड़ा है देखो, ये देखो, ये वाला आपका गैप जो है, ये गैप जो है ये, ठीक है, बट 16,950 के ऊपर एग्जैक्टली अगर पहुंचेगी तो वो दिखेगा। एनीवेज अभी हम इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे में क्या हो सकता है, तीन सिनेरियो होंगे, ठीक है, तीन सिनेरियो क्या होंगे, गैप अप, गैप डाउन और आपका साइडवेज। साइडवेज मार्केट खुलेगी तो देखना क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है ये, क्योंकि यहाँ पे ही आपका दिस विल बिकम, दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दिया और यहीं पे आपका सपोर्ट ले रही थी, यानी कि 15, अगर साइडवेज खुलती है 15,900 के से नीचे कोई भी क्या केस होंगे, तीन केस होंगे, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन। साइडवेज खुलती है और मार्केट समवेयर अराउंड इसको रिजेक्शन दिखाती है कोई भी 15 मिनट के नेगेटिव कैंडल की साइड में, तो अपन लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, नंबर वन, ठीक है। या साइडवेज खुलने के बाद मार्केट ऊपर अगर जाती है, ये लेवल क्रॉस करती है, तो हम लोग एक बार बाइंग करेंगे, पहला टारगेट आपको ऑब्वियसली यही होना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये तोड़ती तो ये डब्लू बन जा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये आया मार्केट इस तरीके से, प्राइस एक्शन पॉजिटिव, एक अच्छा बाइंग साइड, मतलब आने वाला एक्सपायरी तक के लिए बाइंग साइड मिल जाएगा, ठीक है। वेयर एज अगर ये साइडवेज होकर आपका नीचे आना शुरू करती है, यहाँ पे आपका एक ये रेजिस्टेंस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एरिया। अगर ये साइडवेज होकर नीचे जाती है तो अपन लोग फिर यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ये जो लेवल आ रहा है आपका 15,800 समवेयर अराउंड 810 के नीचे अपन शॉर्ट की तरफ जाएंगे अगर साइडवेज खुलती है। दूसरे केस क्या होता है, गैप अप का केस। अगर आप देखोगे ये आपके यहाँ पे सेलर्स हैं, गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही ये वाला लेवल आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा और अगर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव जाता है गैप खुलने के बाद तो हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे। अच्छा बाइंग कट साइड में टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट सस्टेन करनी शुरू हो गई, क्यों, हमने देखा गैप पेंडिंग है, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, गैप डाउन। अगर ये मार्केट में गैप डाउन खुला, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, गैप डाउन का जैसे कि गैप अप खुलने पे साइडवेज टू बेरिश होती है वैसे गैप डाउन खुलने पे साइडवेज टू बुलिश होगी, फिर सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ जो बनता है उसमें आपका किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स होता है, ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जैसे क्या था एग्जाम्पल, आपका ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाइंग की साइड बना, लेकिन फिर सेकंड हाफ में ट्रेड कंटिन्यू रहा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव की साइड ऊपर जाता हुआ नहीं बना, ठीक है। अगर ऐसा बनता तो हम लोग बाइंग की पोजीशन रखते, मैंने भी समवेयर अराउंड इस पे बाय किया था और जब ऊपर गया और कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, ठीक है, ब्रेक इवन पे निकल गया, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं मिला। रीजन क्या, देखो हर दिन मैंने कहा था हर दिन ट्रेड नहीं करने का कारण होता है कि हर दिन आपको ट्रेड नहीं, आज मार्केट साइडवेज था, अगर आप डेटा में शीट में देखोगे तो आप लिखा हुआ था साइडवेज है, सिंपली ये रेंज बन रही है, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा हम लोग उधर की तरफ एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस का अगर हम डेटा देखते हैं, क्योंकि आज मार्केट खुला था गैप अप तो ये सारे खुलते ही हो गए थे ट्रैप, ठीक, तो इन लोगों ने अपना जो कॉल बायर्स होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने अपना लॉस बुक किया होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक अच्छी चीज़ है, ऑल्दो चार्ट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, 15,900 पे फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं हुई, ठीक। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका 15,800 पे पुट राइटिंग हुई है, ठीक है, यानी 15,800 के नीचे ही डेटा पे हम सेल तब करेंगे, 15,800 के नीचे सस्टेन करने लगी, डेटा ऐसा बताता है, ठीक। अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो फ्रेश आपकी कहाँ पे दिख रही है, 14 लाख कॉल्स है 16,000 पे, और 16,200 पे आपकी मैक्सिमम हुई है, ठीक है। 16,200 आपको याद हो गैप वाला लेवल, और ये है एक्सपायरी वाला लेवल, यानी 16,200 पे हुई है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, चार्ट और डेटा दोनों मिला दोगे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉल पुट राइटिंग भी आपकी अच्छी है 60 लाख, यानी कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो डेटा जो आ रहा है वो साइडवेज टू बुलिश का आ रहा है, ठीक है, साइडवेज टू बुलिश, ठीक। ये आपका डेटा बन के आ रहा है। लेवल्स हम लोगों ने चार्ट पे देख लिए थे कहाँ पे बाइंग सेलिंग करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पेन में था आज एज़ कम्पेयर टू हमारा निफ्टी, ठीक है। रीज़न क्या था, निफ्टी को आईटी बचा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी खींच के नीचे लेके आ रहा था। मैं चार्ट पैटर्न्स पे वीडियो डाल रहा हूँ, इस पूरे वीक में आपको सारी चार्ट पैटर्न्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, किस तरीके से आपका ब्रेक डाउन ट्रेंड मार्केट में करते हैं, या फिर आपका अप ट्रेंड में करते हैं, या फिर किस तरीके से आप इसमें रिवर्सल किस तरीके से प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आया, दिस इज अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन, बेरिश का नीचे आया, देन आपका इस तरीके ट्रेंड लाइन बन के नीचे आया। यहाँ पे समवेयर अराउंड इसने बुलिश सिग्नल दिया था जब हमारा निफ्टी पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, ठीक है, बुलिश सिग्नल दिया था, बट मैंने बैंक निफ्टी बाय नहीं करी थी, डेटा निगेटिव था, ठीक है, निफ्टी की तरफ ही गया था मैं, लिखा भी था निफ्टी इज बेटर देन बैंक निफ्टी, मॉर्निंग में आप देखोगे 10 बजे के आसपास, ठीक। एनीवेज कंसोलिडेशन किया, ब्रेक डाउन दिया, ये देखो डबल टॉप पे ट्रेंड लाइन, अभी आज ही ये वीडियो आपकी इसके साथ आएगी, इसके बाद आएगी, आप देख लोगे 6:30 बजे जो हम लोग सेशन टेक्निकल का स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब पे, आज सेम वही चीज़ बनी, डबल टॉप ट्रिपल टॉप कह सकते हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज ऑन द डिमांड एरिया, है ना। डिमांड एरिया कैसे, पहले का ये लेवल हमारा बना हुआ था डिमांड का, ठीक है, यहाँ पे ये अब सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया पे खड़ा है, डिमांड एरिया सपोर्ट एरिया की बात है। जब तक इस एरिया के नीचे नहीं जाता है तब तक हम लोग शॉर्टिंग नहीं सोचेंगे, 33,700, ठीक है, उसके नीचे ही हम लोग शॉर्टिंग तरफ जाएंगे, कोई अगर नेगेटिव बनता है तो। अभी यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, अभी डेटा भी देखेंगे। नीचे आया ये आके, इसमें भी सेम चीज़ डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर एग्रेसिव बाय हम लोग कब जाएंगे, 34,050 के ऊपर, क्यों, 34,000 के भी कॉल लेटर ट्रैप हो जाएंगे, और 33,966 वाला एक लेवल आ रहा है, डब्ल्यू दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 3 केसेस होंगे, सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव तो डाउन साइड खुलेगा, तो फिर साइडवेज को बुलिश, वही जो आप निफ्टी वाला है वही सेम चीज़ काम आएगी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या कहती है। इसमें निफ्टी में हमने देखा था, निफ्टी में 15,900 पे कॉल राइटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें 34,000 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, 14 लाख शेयर्स बैठे हुए 34,000 पे, और पुट साइड में पुट्स घटी हैं, ठीक है, और 33,500, यानी इसकी रेंज कहाँ है, 33,500 से आपका 34,000, ठीक है, बुल हम लोग 34,000 के ऊपर ही जाएंगे डेटा के हिसाब से, 34,050 क्रॉस करने का वही चीज़ है। अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग करते हो तो वैसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, लेकिन अगर आप प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर आपको होल्ड करने वाले हो, ठीक है, उस तरीके से करते हो तो फिर हम लोग लेवल्स के ऊपर ही बाइंग या सेलिंग करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। 34,000 पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कॉल लेटर्स आपके अनकवर हुए, रीज़न क्या था कि आपके ये जो गैप अप खुला था उसके से। अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी का डेटा थोड़ा सा बुलिश था, ठीक है, और इसका आपका डेटा थोड़ा सा बेरिश है, तो ओवरऑल मार्केट क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंक अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो बैंक निफ्टी के बिना जाएगी नहीं, ठीक है, बैंक निफ्टी को खींच के लाना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी जब दोनों बुलिश होती हैं डेटा के हिसाब से तब हम लोग बुलिश की साइड जाते हैं, जब बेरिश दोनों साइड होती हैं तो हम लोग बेरिश की साइड जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है हम लोग साइडवेज की तरफ जाते हैं। अगर आज भी अगर आप देखोगे तो जिसने भी साइडवेज टू बेरिश, हमारा ट्रेंड क्या था, साइडवेज टू बेरिश, ठीक है, लेट से। अब इस केस में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं क्या करूँगा, 10 कॉल शॉर्ट कर दी और 6 या 7 आपकी पुट शॉर्ट करी, अगर साइडवेज टू बेयरिश है, क्योंकि पुट कम शॉर्ट करी कॉल ज़्यादा शॉर्ट करी, ठीक है। सेम चीज़ अगर साइडवेज टू बुलिश बनता है तो पुट ज़्यादा शॉर्ट करी और कॉल कम शॉर्ट करी। अगर दोनों का डेटा पॉजिटिव बता रहा है, दोनों का डेटा नेगेटिव बना है तो कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है, या फिर आपका फ्यूचर या फिर आपका पुट बाय कर ली, ठीक है, स्प्रेड्स के थ्रू। तो अभी जब तक अहम लेवल नहीं टूट रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा साइडवेज की तरफ प्लान करेंगे, जैसे डब्ल्यू दिख रहा है स्कैल्पिंग के वाले लोग स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग लेवल्स के ऊपर ही बाइंग की साइड पे जाएंगे, नहीं तो हम लोग जैसे हम लोग ने देखा था किस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।